एक दफा किसी मुसलमान ने यहूदियों से पूछा कि आप लोग इतने अमीर क्यों हैं? अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे कम तादाद आपकी है, लेकिन दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सब आपकी मलकियत है और पूरी दुनिया की मईशत पर आप लोगों का कब्जा है। पूरी दुनिया में यहूदियों की तादाद 9.2 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी कम है, जबकि मुसलमानों की तादाद 1 अरब 40 करोड़ है। इतनी कम तादाद होने के बावजूद आप लोग इतना आगे कैसे निकल गए हैं, इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए? तो उस यहूदी ने जवाब दिया, उस पर हम सब लोगों को गौर करना चाहिए। उस यहूदी ने अपने 3 असूल बताए, अपनी कौम के 3 असूल उसने बताया कि हम सब लोग पूरी जिंदगी इन 3 असूलों पर अमल करते हैं। सबसे पहला असूल है इल्म हासिल करना, हम अपनी पूरी जिंदगी इल्म हासिल करने में गुजार देते हैं। दूसरा असूल ये है कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही बिजनेस करना सिखाते हैं, तिजारत करना सिखाते हैं। तीसरा असूल, हम अपने बच्चों को शुरू से ही एक दूसरे के साथ रहना सिखाते हैं। हमारे लिए हर यहूदी एक दूसरे के लिए भाई की तरह होता है, हम आपस में इत्तेहाद और भाईचारे को प्रमोट करते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि यहूदी पूरी दुनिया में जिस भी हिस्से में हो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, और हम में से चाहे कोई जितना भी अमीर हो, चाहे जितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपने दीन की तबलीग करना है, अपने मजहब को लोगों तक पहुंचाना है। और फिर वो यहूदी मुसलमान से कहता है कि तुम्हें पता है कि ये चीजें हमने कहां से सीखी, हमने ये असूल कैसे अपनाए, कहां से हासिल किए? हम लोगों ने ये असूल तुम्हारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से लिए हैं, उनकी ज़िंदगी से सीखे हैं। दोस्तों, ये वाक़या आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करके और उनके बनाए हुए असूलों पर अमल करके कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो हम दुनिया को फॉलो करने में लगे हुए हैं, तो कामयाब होने के लिए हमें ये करना चाहिए, हम भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करें, उनके बताए हुए असूलों पर अमल करें। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, मतलब चाहे तुम्हें जितनी भी मुश्किलें उठानी पड़े, यानी जितना मर्जी लंबा सफ़र तय करना पड़े, तुम इल्म ज़रूर हासिल करो। और मेरा सवाल अब आपसे ये है कि अल्लाह की किताब, जिसको हम दुनिया की बेहतरीन किताब मानते हैं, जिसका नाम कुरान पाक है, उसको हमने कब तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ा है या कुछ सीखने के लिए पढ़ा हो? हम तो सिर्फ कुरान स्वाब की नीयत से पढ़ते हैं। हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर, कोई स्किल सीखने पर कितना काम करते हैं? लास्ट टाइम पर कब आपने सेल्फ डेवलपमेंट पर कोई किताब पढ़ी थी? यहूदियों का दूसरा असूल था कि हम अपने बच्चों को बिजनेस करना सिखाते हैं और हम अपने बच्चों को नौकर बनाकर फख्र करते हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी नौकरी मिल जाने पर बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई अमीर बना है, किसी ने तरक्की की है, बिजनेस में ही तरक्की है। और दोस्तों, यहूदियों का तीसरा असूल, भाईचारे का असूल, वो भी उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लिया है और आपके फरमान से लिया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने 1400 साल पहले ये फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, जैसे जिस्म के सिर्फ एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। लेकिन आज का मुसलमान फिरकों में बटा हुआ है, आज हम तकसीम हो चुके हैं, हम में भाईचारा खत्म हो चुका है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था कि मेरी रस्सी को मजबूती से थाम कर रखो और कोई तफरका ना करो, लेकिन आज हम सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, शिया हैं, हम भाई भाई होने की बजाय एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे की बात सुनना भी गवारा नहीं करते। हम एक कौम नहीं बन सके, इसलिए हम पूरी दुनिया में भीख मांगते फिरते हैं और कशकोल हमारा मुकद्दर बन चुका है, लेकिन हमें कोई कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं है।